दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान में अगले 15 दिन तक लॉकडाउन लग चुका है। अब इन 15 दिनों के अंदर क्या क्या बंद रहेगा, क्या क्या खुला रहेगा, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अंत तक पूरा देखना, साथ ही वीडियो को शेयर कर दे अपने यार दोस्तों के पास ताकि वो भी इन जान ले कि ये महामारी रेड अलर्ट जो घोषित हुआ है अगले 15 दिन तक इसमें क्या खुला रहेगा और किस किस का कितना चालान हो सकता है उसकी विशेष जानकारी इस वीडियो में देने वाले, इसलिए वीडियो को शेयर कर दे। साथ ही हमारे चैनल से भी जुड़ जाना सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त गाइडलाइन बनाने के निर्देश। 4 मई से अगले 15 दिनों तक प्रदेश में लागू रहेंगी सख्त पाबंदियां। सूत्रों की माने तो नई गाइडलाइन में निम्न संशोधन होगा। जैसा कि दोस्तों वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दूध और सब्जी की दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा, मात्र दूध और सब्जी की दुकानें वीकेंड कर्फ्यू के दौरान खुलेंगी। दूसरी बात, मंडियां पूर्ण रूप से बंद रहेंगी, जो कि सब्जी मंडियां होंगी पूर्ण रूप से बंद रहेगी। तीसरी बात, पेट्रोल पंप सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही खुलेंगे, वो भी सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, मात्र 2 घंटे के लिए पेट्रोल सप्ताह में 2 दिन तक ही खुलेंगे। दूसरी बात, एक जिले से दूसरे जिले में निजी परिवहन के साथ अब निजी बसें भी बंद कर दी गई है। अब आप एक जिले से दूसरे जिले नहीं जा सकते किसी भी निजी साधन से या फिर बसों के साधन से, कैसे भी नहीं जा सकते अगले 15 दिन तक। साथ ही दोस्तों, रोडवेज बसें बंद होंगी या नहीं ये निर्णय अभी सीएम करेंगे। छठी बात, राशन की दुकानें सिर्फ गली मोहल्ले और कॉलोनियों में ही खुलेंगी, मुख्य बाजार में कोई राशनों की दुकानें नहीं खुलेंगी अगले 15 दिन तक। यह है महामारी रेड अलर्ट, सख्त रेड अलर्ट घोषित किया है। साथ ही दोस्तों, रेस्टोरेंट अब होम डिलीवरी पर पाबंदी होगी, जो होम डिलीवरी होती थी उसको भी अब बंद कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय जो अभी 50% स्टाफ के साथ खुलते थे, अब मात्र 15% स्टाफ के साथ ही खुलेंगे सारे सरकारी कार्यालय, ऐसे आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों, निजी कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, कोई भी प्राइवेट कार्यालय है पूर्ण रूप से बंद रहेगा इन 15 के दौरान, कोई कुछ नहीं खुलेगा। साथ ही दोस्तों, अब शराब की दुकानें भी पूर्ण रूप से बंद रहेगी, ठेके भी बंद रहेंगे इस महामारी रेड अलर्ट के दौरान। जो आप ठेके की दुकान खुली देखते थे पिछली बार, वो अब बंद हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों, मेडिकल इमरजेंसी के अलावा कोई भी व्यक्ति बाहर घूमता मिला तो 1,000 की जगह अब 10,000 का चालान होगा और 15 दिन के लिए उसका वाहन भी सीज कर सकती है पुलिस। तो दोस्तों, बिना वजह रोड पर मत निकल जाना, अगर पुलिस के हाथ लग गए तो आपका साधन 15 दिन तक सीज हो सकता है, साथ ही 10,000 का चालान आपका होगा, जो पहले 1,000 का चालान था। सबसे बड़ा नियम ये लागू किया गया है, अगर आप मेडिकल इमरजेंसी में काम करते हैं तो ही रोड पर निकले। साथ ही दोस्तों, बिना मास्क पाए जाने पर 500 की जगह अब 5,000 का चालान सरकार ने कर दिया है इस महामारी रेड अलर्ट के दौरान। अब जो पहले 500 का चालान मास्क का अधिकतम हो सकता था, अब उसका 5,000 कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, विवाह समारोह में अब सिर्फ 31 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। अगर आपके विवाह समारोह में 31 व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति पाए गए तो सीधा 50,000 का चालान। जी हाँ दोस्तों, ध्यान सुन लो, अगर शादी में 31 व्यक्ति से ऊपर मिले तो सीधे 50,000 का चालान होगा, इसमें कोई रिहाई नहीं की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि शादियों को टाल दे, अगली बार जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब आप शादी कर सकते हैं। और दोस्तों, बैंकों, फाइनेंस कंपनी, बीमा कंपनी में 30% स्टाफ के साथ 2 बजे तक ही कार्य होगा। कोई भी बैंक है, फाइनेंस कंपनी है या फिर बीमा कंपनी है, मात्र 30% स्टाफ के साथ काम होगा, वो भी 2 बजे तक। तो ये सख्त गाइडलाइन जो सरकार ने आज से लागू कर दी है प्रदेश में, राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार अगर आप बेवजह घूमते पाएंगे तो 10,000 का चालान और 15 दिनों तक आपकी गाड़ी सीज होने का पूरा पूरा अनुमान कर दिया गया है। तो बिना वजह बाहर नहीं घूमे, सख्त जो लॉकडाउन है इसकी कार्रवाई के पालनों को, नियमों को पालन करें ताकि आप भी सुरक्षित रहे, बाहर वाले भी सुरक्षित रहे, क्योंकि कोरोना के दौरान हमें चैन तोड़ने की बात कही जा रही है। अगर आप घर से बेवजह बाहर नहीं निकलोगे तो कोरोना की चैन टूट जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें अपने यार दोस्तों इस दर्ग पास ताकि वो भी इन सख्त गाइडलाइनों के बारे में जान लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।